in which state RBI, Reserve Bank of India, situated now? अब ही इंडिया के किस स्टेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब RBI सिचुएटेड है? हेलो गाइस, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल। अभी आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। देख लेते हैं हम पहले ये कि हमने इस चैप्टर में अभी तक क्या क्या पढ़ा है और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने जो इस चैप्टर में पढ़ा है वो है बार्टल सिस्टम, प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टल सिस्टम, मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी। अगर आपको ये चार टॉपिक में से अगर कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में पढ़ सकते हैं। आज जो हम वीडियो पढ़ने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मनी एंड डीमोनेटाइजेशन। सबसे पहले चलेंगे हम इम्पोर्टेंस ऑफ मनी की तरफ। मनी तो आपको साइड में दिख ही गया होगा, अब इम्पोर्टेंस ऑफ मनी भी देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मनी का फर्स्ट इम्पोर्टेंस है बेसिस ऑफ मार्केट सिस्टम, सेकेंड है मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थर्ड है कन्वर्जन ऑफ सेविंग इंटू इन्वेस्टमेंट, फोर्थ है डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, फिफ्थ है फ्रीडम इन इकोनॉमिक लाइफ, और सिक्स्थ है बेसिस ऑफ सोशल प्रेस्टीज। अब हम इन सबको पूरा पूरा पढ़ते हैं, मतलब इनके बारे में सब कुछ जानते हैं कि ये क्या है, कैसे है, और ये मनी की इम्पोर्टेंस क्यों है। चलते हैं फर्स्ट की तरफ जो है हमारा बेसिस ऑफ मार्केट सिस्टम। मनी इज़ द मोस्ट सिंपल मेथड ऑफ एक्सचेंज इन एनी इकोनॉमी, देयरफॉर ऑल ट्रांजेक्शंस इन मार्केट सिस्टम आर मेड विद द हेल्प ऑफ मनी। मनी जो होता है वो बहुत ही सिंपल एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमी है, मतलब हम मनी की हेल्प से बहुत सिंपली इकोनॉमी मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। जो मनी है वो मार्केट में सब जगह यूज़ किया जाता है कि सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए, कोई भी ट्रांजेक्शन हो मनी का यूज़ होता ही है। चलेंगे हम सेकंड पर जो है हमारा मेज़र ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेज़र ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मनी इज़ द इंडेक्स ऑफ मेज़रमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मनी जो है वो एक इंडेक्स है, कोई एक मेज़रमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। मनी की वजह से हम जो है मेज़र कर पाते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हो रहा है या कितना नहीं हो पा रहा है, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, हमें ये भी पता चल जाता है। मनी जो है ये एक फॉर्म है जिससे आप मेज़रमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ की वैल्यू, किसी भी थिंग की वैल्यू, जो कि मेज़र करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम चलेंगे थर्ड टाइप, थर्ड इम्पोर्टेंस पर, कन्वर्जन ऑफ सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट। सेविंग डन बाय पीपल इन द फॉर्म ऑफ मनी आर कलेक्टेड एंड डिपॉजिटेड इन बैंक्स विच बिकम्स अ पर्टिकुलर एंड पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर। जो मनी है उसकी हेल्प से उसकी फॉर्म में जो लोग हैं वो कुछ पैसा जो है वो सेव कर पाते हैं, कुछ मनी जो है वो सेव कर पाते हैं, वो उसे सेव कर कर बैंक में रखते हैं, डिपॉजिट करते हैं बैंक में, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें, और जो वो पैसा जो इन्होंने सेव किया है वो पैसा उन्हें फ्यूचर में किसी भी इन्वेस्टमेंट में या किसी भी जगह पर अगर उन्हें ज़रूरत है तो उन्हें काम आ पाता है। जब उन्हें ज़रूरत होती है तब वो मनी उनके काम आता है, अगर वो उस मनी को सेव करके रखते हैं बैंक में या कहीं किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। तो चलेंगे हम फोर्थ पॉइंट की तरफ, डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। थ्रू डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन मे बी अटेंडेड इन द कंट्री विच हैव बिकम पॉसिबल ओनली थ्रू द यूज़ ऑफ मनी। जो मनी है उसकी वजह से जो लेबर होते हैं और एक स्पेशलाइज्ड होता है पर्सन होता है
उन दोनों में हम फर्क कर सकते हैं। ये मनी जो होता है ये डिवीजन कर देता है दो लोगों में, एक तो होता है लेबर और एक होता है स्पेशलाइज्ड पर्सन। जिसने कम पढ़ाई की है, कम एजुकेटेड है या फिर किसी और वजह से कम एजुकेटेड है तो वो लेबर, और अगर बहुत हाईर एजुकेशन है किसी की तो वो हो जाता है स्पेशलाइज्ड पर्सन। ये भी पॉसिबल हो पाया मनी की वजह से। अब ये जो लेबर और स्पेशलाइजेशन में फ़र्क है वो जो है वो कंपनी के या किसी भी कंट्री के जो प्रोडक्शन लेवल है उसमें भी, जो उसमें भी एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है। जो कंट्री होती है उसकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए उसे स्पेशलाइज्ड पर्सन की उतनी ही ज़रूरत है जितनी उसे लेबर की ज़रूरत है। मतलब लेबर और स्पेशलाइजेशन दोनों अपनी अपनी जगह अपना अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। चलेंगे हम फिफ्थ पॉइंट की तरफ, जो है हमारा फ्रीडम इन इकोनॉमिक लाइफ। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर बोथ आर फ्री इन द मार्केट टू टेक रेशनल डिसीजंस ड्यू टू यूज़ ऑफ मनी। जो खरीदने वाला है और जो बेचने वाला है दोनों फ्री है मनी की वजह से कि उसे कितना यूज़ करना है मनी को, खरीदने में या बेचने में। प्रोड्यूसर है तो उसे मार्केट में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, क्या कितना सामान खरीद कर लाना है बेचने के लिए, वो भी प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल फ्री है वो डिसीज़न लेने के लिए। और वैसे ही कंज्यूमर जो ख़रीदने वाला पर्सन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी जितनी इच्छा हो खरीदे और जितनी इच्छा ना हो तो ना खरीदे। ये सब पॉसिबल हो पाया है ओनली बिकॉज ऑफ मनी, मनी की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। चलेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पर, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, बेसिस ऑफ सोशल प्रेस्टीज। इकोनॉमिक फ्रीडम मनी ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटी टू स्टोर ऑफ वैल्यू विच बिकम सोशल प्रेस्टीज। इकोनॉमिक फ्रीडम जो होती है मनी की, अगर आप उसे स्टोर करके रखते हो तो आपको फ्यूचर में तो काम आएगा ही, और जो मनी अगर आपके पास बहुत सारा है तो आपकी जो सोसाइटी में इमेज है, आपकी जो रेपुटेशन है वो भी एक अच्छी बन जाती है। तो इसीलिए भी मनी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलेंगे हम आज की क्वेश्चन की तरफ। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, इन विच स्टेट RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिचुएटेड नाउ। तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। अब प्रेजेंट में जो RBI का जो ऑफिस है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो कहाँ सिचुएटेड है, तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। सो थैंक यू गाइज फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।